दोस्तों, कटरीना कैफ की प्रेगनेंसी की खबरें एक बार फिर से आ चुकी हैं सुर्खियों में। माना जा रहा है कि कटरीना कैफ एक बार फिर प्रेग्नेंट हैं, लेकिन क्या ये बात सच है या नहीं, चलिए इस पर बात करते हैं। उनकी नई आने वाली फिल्म मैरी क्रिसमस से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बता दें आपको कि विकी कौशल और कटरीना कैफ को दिसंबर 2021 में शादी के बंधन में हम सभी ने बंधते देखा। शादी के फौरन बाद कटरीना कैफ को मैरी क्रिसमस के सेट पर स्पॉट किया गया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ इन दिनों विजय सेतुपति और संजय कपूर के साथ श्रीराम रघुवंशम की फिल्म मैरी क्रिसमस की शूटिंग कर रही है। कटरीना कैफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने एक फिटेड फ्लोरल ड्रेस में वो वायरल हो रही हैं उनकी तस्वीरें। बता दें कि लोग उनके दीवाने फैंस कह रहे हैं कि कटरीना कैफ प्रेग्नेंट है। खबर मानी जा रही है कि कटरीना कैफ इस फिल्म में एक प्रेग्नेंट लेडी का रोल प्ले कर रही है। विकी कौशल और कटरीना कैफ 2021 में शादी के बंधन में बंधे थे। शादी के फौरन बाद ही कटरीना मैरी क्रिसमस के सेट पर स्पॉट की गई है। फिलहाल एक्ट्रेस हनीमून पीरियड एंजॉय नहीं कर रही थी। इस फिल्म की घोषणा करके कटरीना ने कहा कि मैं हमेशा से ही श्रीराम सर के साथ काम करना चाहती थी। जब भी नैरेटिव या थ्रिलर शोकेस की बात आती है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उनके साथ काम करना सौभाग्य की बात है। विजय सेतुपति के साथ टीम बनाने को लेकर वो एक्साइटेड हैं। मैरी क्रिसमस के अलावा कटरीना कैफ जल्द ही टाइगर 3 में काम करती नजर आएंगी। बता दें कि कटरीना कैफ की फिल्म विजय सेतुपति की मौजूदगी में काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। इस फिल्म के पिटने के बावजूद भी बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों में साउथ एक्ट्रेस को लिया जा रहा है। दोस्तों, क्या कहेंगे आप इस बारे में? आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।